न्यूटन लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना। क्यों लिखना भाई? क्योंकि न्यूटन का ग्रेविटेशनल फॉर्मूला का फोर्स का फॉर्मूला हमें फोर्स दे रहा है। फोर्स स्केलर नहीं है, फोर्स वेक्टर है, तो अपने को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए नॉर्मली क्या होता है, आप पीछे फोर्स के मैग्नीट्यूड के पीछे लगा दो आई कैप, जे कैप, के कैप, तो बन गया वेक्टर फॉर्म, सिंपल। पर जरूरी थोड़ी ना है कि फोर्स हमेशा एक्स एक्सिस में होगी, वाई एक्सिस में होगी या जेड एक्सिस में होगी, पता नहीं कहाँ होगी। तो मैंने एज्यूम किया एम वन एम टू सेपरेटेड बाई आर, तो अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड पूछूँ तो वो क्या होगा, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि ये जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, एम वन ने एम टू को खींचना है और एम टू ने एम वन को खींचना है। एम वन ने एम टू को खींचा बाय अ फोर्स ऑफ एफ टू वन वैक्टर, टू वन का मतलब टू के ऊपर फोर्स लगी, किसने लगाई, वन ने लगाई। और एफ वन टू वैक्टर का मतलब वन के ऊपर फोर्स लगी, किसने लगाई, टू ने लगाई। डायग्राम क्लियर है यहाँ तक? तो अगर मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड बिना डायरेक्शन के मॉड लगा हुआ है वैल्यू वैल्यू पूछूं, आंसर क्या आएगा, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं वेक्टर फॉर्म में पूछूं एफ वन टू वेक्टर, तो मुझे इस मैग्नीट्यूड के पीछे कैप लगाना पड़ेगा, चाहे आई कैप, चाहे जे कैप, चाहे के कैप, चाहे आर कैप, चाहे ए कैप, कोई भी कैप जो क्या बताए, डायरेक्शन, क्योंकि कैप्स का मतलब यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन बताना। तो मुझे नहीं पता ये हमेशा आई कैप या जे कैप में आंसर होगा, तो मैंने एज्यूम किया अपने खुद यूनिट वेक्टर ले लिए, मैंने एज्यूम किया एक यूनिट वेक्टर है आर वन टू कैप जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है। ऐसा अजीब लग रहा है कि कैप के ऊपर वेक्टर है, नहीं कैप के ऊपर वेक्टर नहीं है, ये डायरेक्शन दिखा रहा हूं कि इस आर वन टू कैप की डायरेक्शन राइट है। तो राइट का मतलब है वन से लेके टू तक, यानी कि एफ वन टू वेक्टर कहां पर है, राइट है, और आर क्या आएगा, वन टू कैप, तो एफ वन टू वेक्टर के पीछे यहां पर क्या आएगा, आर वन टू कैप। वन टू कैप का मतलब है कि अगर आप मैग्नीट्यूड ले भी लेंगे तो इसकी वैल्यू तो वन ही आएगी, लेकिन डायरेक्शन बता रहा है कि टूवर्ड्स राइट है। ऐसी है कि और यूनिट वेक्टर एज्यूम कर लिया टूवर्ड्स लेफ्ट, आर ऑफ टू वन कैप, तो एफ ऑफ टू वन वेक्टर के पीछे क्या लगा दिया, आर ऑफ टू वन। ये मेरे बनाए हुए यूनिट वेक्टर्स हैं, पर फर्क कोई नहीं पड़ता, आप मैग्नीट्यूड लोगे तो इसकी वैल्यू वन ही आने वाली है। आप इन्हें डिवाइड कर लें, डिवाइड करके ये टर्म इससे क्या हो गई, कैंसिल। आर वन टू कैप, आर टू वन कैप में माइनस का अंतर है, डायरेक्शन का ही अंतर है, मैग्नीट्यूड तो इसका वन ही है, तो यहाँ से कैंसिल होने के बाद क्या आएगा, एफ वन टू वैक्टर इज माइनस एफ टू वन वैक्टर। इसका मतलब न्यूटन का जो लॉ है वो क्या बोलता है कि दो जो फोर्सेज हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, और एफ वन टू वैक्टर में इक्वल एंड ऑपोजिट है, राइट?